हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक रेसिपी बता रही हूँ। ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी है। जैसे दो मिनट में मैगी बन जाती है, उसी तरह ये खिचड़ी भी दो मिनट में ही बन जाती है। ये बनाने के लिए हमें लगेंगे चावल, टमाटो, कड़ी पत्ता, नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, जीरा, तेल, मूंग दाल, चावल और मूंग दाल को हमने धोकर रख दिया है, और कोथिंबीर। सबसे पहले हमने कुकर गरम करने के लिए रख दिया है। कुकर के अंदर हम तेल डालेंगे। गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। जीरे के साथ हम कड़ी पत्ता भी डालेंगे। जीरे को अच्छा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम उसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये भी खाने में बहुत टेस्टी है, ये सिर्फ दो मिनट में ही बन जाती है। अब हम उसके अंदर नमक डालेंगे। नमक डालने से हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। आप ये डिश जरूर ट्राई करना, बच्चों को भी ये डिश बहुत पसंद आएगी। हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम उसके अंदर हल्दी, मिर्ची पाउडर और हमारी मेन चीज है मैगी मसाला। मैगी मसाला की टेस्ट बहुत अच्छी आती है इस खिचड़ी में। मैगी मसाला कौन सी भी सब्जी में डालेंगे तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी बन जाती है। अब हम इसके अंदर मूंग दाल डाल देंगे। मूंग दाल से खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम चावल डाल देंगे। हमने चावल को एक ग्लास लिया है और मूंग दाल को आधा ग्लास लिया है। जैसे हमने चावल को दो ग्लास लिया है, उसी तरह हम इसके अंदर पानी डालेंगे 3.5 कप। हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम कोथिंबीर डाल देंगे और इसको 3 सीटी लगा लेंगे। आप देख सकते होंगे हमारे कुकर को 3 सीटी लग गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसको भापने से निकलने तक फेरेंगे। अब आप देख सकते रहेंगे हमारी बाफ निकल गई है और हमारी खिचड़ी कितनी अच्छी बनी है। हमारी खिचड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर आप घी डालकर भी खा सकते हैं या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारी खिचड़ी खाने को रेडी है। आपको मेरी खिचड़ी कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।